कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक बार फिर से एक्सप्लोर द न्यू में। तो सबसे पहले आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको मालूम है मेरे पास किया सोनेट है, तो मैं आज आपको बताऊंगा ये 42,000 किलोमीटर चल चुकी है तो इसकी अभी टायर की कंडीशन कैसी है। तो फ्रेंड्स, एक और बात आपसे मैं करना चाह रहा था। आई एम ए फार्मासिस्ट एंड बीइंग एज ए फार्मासिस्ट मैंने एक ब्लॉग बनाया था, एसेंशियल फर्स्ट एड किट फॉर ट्रेवलर्स। तो अगर आप भी ट्रैवल का शौकीन हो, ट्रैवल करते रहते हो, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। उसमें मैंने सारी इमरजेंसी मेडिसिन कौन कौन सी चाहिए ड्यूरिंग ट्रैवल वो बताया हुआ है। मेरे पास किया सोनेट है जो कि अभी चल चुकी है 42,086 किलोमीटर। तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि इतने किलोमीटर चलने में टायर की कंडीशन कैसी है। अगर मैं माइलेज की बात करूं, कल मैं चंडीगढ़ से आया था, आप देख सकते हो यहाँ 27 किलोमीटर पर लीटर लिखा रहा है। तो अराउंड हाईवे पे तो ये अच्छी माइलेज देती है, 25 के आसपास। यहाँ 27 दिख रहा है तो आई थिंक 24-25 के आसपास ही होती है। तो हाईवे काफी अच्छी माइलेज है इसकी। आपने देख लिए टायर्स की कंडीशन। मेरे पास पहले फोर्ड फिगो थी, उसके टायर जो है मेरे को अराउंड 40-55 किलोमीटर्स के बाद चेंज करने पड़ गए थे। तो ये 40,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, 42,000 किलोमीटर चल चुकी है किया सोनेट, और मेरे को लगता है अभी ये अराउंड 45,000 किलोमीटर्स और चल जाएगी। तो इस हिसाब से अराउंड 90,000 किलोमीटर के आसपास इसके टायर चेंज करने की कोशिश ज़रूरत पड़ेगी। अगर 80,000 भी चल जाए दैट इज़ आल्सो मच बेटर। तो क्योंकि फिगो थी उसके मेरे को 55,000 पे टायर चेंज करने पड़ गए थे। अभी तक टायर्स की कंडीशन बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। तो इसे आप चेक कर सकते हो कितनी सेविंग हो रही है मेरे टायर्स की। अदरवाइज़ नॉर्मली गड़े की मैं जिससे भी बात करता हूँ वो ये कहते हैं 50,000 के बाद टायर चेंज हो जाते हैं। तो जैसे ही टायर्स की कंडीशन, आई डोंट थिंक सो कि हमें 40,000 और किलोमीटर तक मिनिमम टायर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप भी किया सोनेट या सेल्टोस डीजल के ओनर हो, तो मैंने सारी डिटेल बताई हुई है व्हाट इज़ द सर्विस कॉस्ट ऑफ किया सोनेट एंड हाउ टू रीजनरेट डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। अगर डीपीएफ वाली BS6 इंजन आपका है तो कैसे डीपीएफ रीजनरेशन करनी है, तो वो सारे वीडियोज़ ही देखिए। और दोस्तों, अगर आपको ये सारे रोचक वीडियोज़ अच्छे लगते हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए और पूरा वीडियो देखिए। तो मिलते हैं किसी अगले ट्रैवल ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।